सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं विक्की कौशल सर की ड्राइंग मींस आउटलाइन। तो अभी वीके आर्ट बॉक्स भी ने एक आर्ट कंपटीशन रखा है, तो जिसमें उन्होंने रेफरेंस पिक यही दिया है। तो हमने यहाँ पे इसकी दो पिक ले लिए हैं, अभी तो ये सिंपल वाली है, बट मैं इस पर ग्रिड भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं ग्रिड वाली इमेज, तो ये रही वो ग्रिड वाली इमेज और हमने इस पर ग्रिड अप्लाई कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें काफ़ी इस इमेज में काफ़ी डिटेल्स भी है, बट ये मेरे नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में शायद आ जाए। तो अभी तो मेरे को सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे पेज लाते हैं सबसे पहले। तो हम पेज ले लिए हैं और अब हम पेज पे हमको ग्रिड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे देखना होगा कि ग्रिड की साइज़ कितनी होनी चाहिए पेपर पे। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लिया हूँ, तो यहाँ पे ग्रिड में कितने बॉक्सेज हैं मैं उसको काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। और अभी इस तरह हम गिनते हैं तो काउंट करता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह भी 10 बॉक्सेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो जहाँ पे हम बॉक्सेस की साइज़ रख रहे हैं 3-3 सेंटीमीटर की, ताकि अगर इस तरह होगा तो 3 3 30 और 3 7 21। तो इसे फोर साइज़ के पेपर पे मैं 3-3 सेंटीमीटर्स की ग्रिड बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो ये फोर साइज़ का पेपर होता है ये हॉरिजॉन्टली होता है 21 सेंटीमीटर और वर्टिकली होता है 29.7 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे मैं अगर हॉरिजॉन्टली अगर मैं 3-3 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ तो 3 7 21, तो इस तरह से 3 7 21 सेंटीमीटर ये कंप्लीट हो जाएगा। और 3 10 30 मतलब 29.9 जो 3 आ रहा है वो, तो वो आराम से उस पर आ जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा बचेगा वो उतना चल जाएगा। तो इस पर मैं ये ग्रिड अप्लाई कर दे रहा हूँ, जो कि एकदम हल्के हाथ से आप लाइट प्रेशर से करिएगा, ताकि पेपर पर ज़्यादा कोई उसका इफेक्ट ना आए ग्रिड का, ताकि आप जब इसे इरेज करेंगे तो आसानी से इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट मार्क कर ले रहा हूँ, ताकि जो हमारी लाइन्स हो वो एकदम स्ट्रेट हो। तो यहाँ पे मैंने 3-3 सेंटीमीटर्स पर मार्क कर लिया है। भाई यहाँ पे मेरी ग्रिड तो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने सोचा कि यहाँ पे अब जैसे कि जो यहाँ पे साइज़ है ग्रिड की, तो हमने उसको 3 सेंटीमीटर किया है, तो हमको अपने फ़ोन की ग्रिड और ये जो मेरे पेपर की ग्रिड है एक्चुअल उसकी सेम साइज़ के लेनी है, तो हमको यहाँ पे मेजरमेंट करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे इसको एकदम सेम साइज में कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये एकदम अब सेम साइज हो गई है। इससे क्या होगा कि हमको इजीली ये जैसे ये और ये, तो ये सेम हो जाएगी, तो हमको इजी हो गए बनाने में। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो जब साइज सेम रहेगी तो हमको बनाने में इजी होगा। तो हम शुरू करते हैं अब यहाँ से। तो एक ग्रिड छोड़ के यहाँ से हमको दूसरी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ मुझे हर एक ग्रिड में जितने भी मुझे यहाँ पे मतलब लाइंस दिख रही हैं, तो मैं उन हर लाइन को उन हर ग्रिड में बना रहा हूँ। तो आपको इससे काफ़ी आसानी होगी, जितने बॉक्स में जहाँ तक जो फिगर हो आप उसके यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे उतने बॉक्स में उतनी दूरी लेकर के, और इस तरह ग्रिड से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वैसे तो ग्रिड यूज़ नहीं करना चाहिए बिगिनर्स को, फ्री हैंड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बट मैं यहाँ पे जैसे ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह ग्रिड में काफ़ी आसानी होती है, जब आप वो मोबाइल की स्क्रीन और अपने पेपर की ग्रिड की साइज़ को सेम कर लेते हो, तो आपका जो फिगर होता है तो आसानी से समझ में आता है कि कहाँ कितने साइज़ में क्या है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते रहिए वीडियो को।
तो गाइस अब जाके हमारी फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप कि ये आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल और अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अब अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के आर्ट वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी इसी तरह के नेक्स्ट ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।